वेलकम टू चिकवेल। देखिए, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राएं। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस वाले और आरआरबी स्टूडेंट ये याद रखे कि यहाँ से आपको श्योरिटी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर मोस्टली या समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जैसे शायद 56 देशों की यात्रा कर चुके हैं अब तक, लेकिन जो मोस्टली आपको याद करनी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छे से देखिए, बहुत प्यार से और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रथम विदेश यात्रा जो थी वो कौन सी थी, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ तक ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, रेलवे परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रथम यात्रा थी विदेश, वो थी भूटान की। ठीक है, और ये उन्होंने की थी 2 जून 2014 में। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछ लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रथम विदेशी यात्रा जो थी वो कौन सी थी। तो याद रखिएगा, ये थी आपकी भूटान। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या, प्रधानमंत्री दूसरी यात्रा जो है, इनकी ये यात्रा भी याद रखिए, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन में बना हुआ है, पहली और दूसरी यात्राएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूसरी विदेश यात्रा थी वो थी नेपाल की, यानी हमारे पड़ोसी देश की, और ये भी इन्होंने की थी 2014 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, समझ लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। यहाँ से देखिए, कई क्वेश्चन बने हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया। समझ लीजिए क्या है कि प्रधानमंत्री की जो ऑस्ट्रेलिया यात्रा है, इन्होंने ये जो ब्रिसबेन ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है, यहाँ पर ये गए थे, और ये G20 शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने जो भाग लिया था वो किस देश की यात्रा पर थे। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे, और ये भी 2014 की इनकी यात्रा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्टली आप याद रखिएगा G20 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की मंगोलिया यात्रा। ठीक है, तो ये क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो मंगोलिया यात्रा पर गए। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ बने होगा। ठीक है, क्या है कि प्रधानमंत्री की जो मंगोलिया यात्रा, क्या है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो मंगोलिया यात्रा पर गए। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि जो प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा देश है जहाँ वो पहले मतलब प्रधानमंत्री बने भारत के जो मंगोलिया यात्रा पर गए। तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये गए थे मंगोलिया यात्रा पर। और याद रखिएगा, जो 60वीं कूटनीतिक वर्षगांठ पर इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको अब अच्छे से याद रखिएगा। और ये कब गए, ये गए हैं 2015 के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से अच्छे से याद रखिएगा, मोस्टली यूपी पुलिस वाले और रेलवे परीक्षा वाले अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और यूपी पुलिस वालों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए तैयारी चल रही है आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो की। ठीक है, हम मतलब एक वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं आल जीके की। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सी समय लग रहा है, थोड़ा टाइम लगता है भाई वीडियो को क्रिएट करने में, थोड़ा सी मटेरियल लेने में, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि बहुत मस्त वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सी वेट करिएगा। फिर आपका क्या, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा। तो देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, जैसे कि प्रधानमंत्री की जो रूस यात्रा जो है, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। पूछा गया ऐसे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने जो भाग लिया था, ये किस देश की यात्रा पर थे। तो याद रखिएगा, ये रूस की यात्रा पर थे, और ये कब गए थे, ये जुलाई 2015 के अंदर गए थे। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की चीन यात्रा। ये क्वेश्चन देखिए कई जगह पूछा गया, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट का ही है, और ये क्वेश्चन कई जगह पूछ लिया गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन, देखिए ये 2016 का है, वो जो आपका था वो 2014 का था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो चीन यात्रा हुई है G20 शिखर सम्मेलन की, ये इन्होंने भाग लिया था, ये चीन गए थे यहाँ पर, और ये कब गए, 2016 के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आपके करते हैं बात प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा। तो ये काफ़ी हिट रही थी ये यात्रा, कई जगह न्यूज़ पर छाए हुए थे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यहाँ पर भी ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो इस देश की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले प्रधानमंत्री जो फिलीपींस की यात्रा को गए हैं, ये हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये गए थे नवंबर 2017 में। एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फिलीपींस के चावल अनुसंधान का नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछ लिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखें। देखिए एग्ज़ाम बहुत पास है और मैं आपको बहुत ज़्यादा, मतलब होता नहीं है कि ज़्यादा आपको मैं बता दे दूँ, आपको याद हो जाए ना, वो मैं नहीं करता। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ और इनसे क्वेश्चन भाई बने भी बहुत अच्छे से, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2018 की प्रमुख यात्रा है। देखिए लेटेस्ट आप यात्राएं भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर का पोर्शन कवर करेगी, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की संयुक्त यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कब? 29 मई 2018 को। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, ये तीनों ही देशों के नाम याद रखे क्या है, एक तो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2018 को इनमें से किस देश की यात्रा पर नहीं गए। तो वहां पर क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, और थर्ड फोर्थ कोई दूसरे देश का नाम याद रखा, तो आपको याद क्या रखना, उस फोर्थ देश का नाम नहीं याद रखना, आपको इन तीनों देशों का नाम याद रखना है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की संयुक्त यात्रा पर गए ये 29 मई 2018 को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्या आपका कि रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? याद रखिएगा तीनों का नाम यहाँ से भी, वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया, रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त यात्रा पे भी गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये गए हैं आपके अभी हाल में ही गए, यानी 23 जुलाई 2018 को गए, ठीक है? फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है और इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये गए हुए हैं 9 जून 2018 को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी की नेपाल यात्रा, तो ये अभी हाल में ही गए, यानी 30 अगस्त को गए हैं प्रधानमंत्री जी नेपाल यात्रा को, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए तो ये वीडियो आपके लिए किस तरह से उपयोगी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके मोस्टली बने हैं एग्ज़ाम में, तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल करेगा आपके लिए, ठीक है? तो वीडियो को आपने देखा, बहुत थैंक यू भाई, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और यूपी पुलिस वाले बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या आपको कोई सजेशन देना है, मुझे कर सकते हैं कमेंट करके, मुझे बता दीजिएगा जिस टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए होगी, आप मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? और मुझे आप बता सकते हो कमेंट में करके कमेंट, ठीक है? चलिए, थैंक यू।